एम्प्लांटर डिवाइस पुराना एक एबर्ट कंपनी से है। एट्रल सेप्टल डिफेक्ट इज ए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो कि हम लोग करते हैं, पेशेंट को पता नहीं लगता है। इसे होल इन द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, एक्चुअली ये दिस इज सिंस बर्थ, लेकिन कुछ लोगों को रेगुलर एको कराने से पता लगता है, कुछ लोगों को जब एज ज़्यादा हो जाती है 35-40 तो सांस फूलने लगती है। इसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है, एक मिनट, इसे टीचिंग वीडियो, इसे लेफ्ट टू राइट शंट होता है। हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं, ऊपर के दो चैम्बर को एट्रियम कहते हैं, नीचे के दो चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। मोस्टली हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल से ही सारा पंपिंग होती है। राइट वेंट्रिकल इज ए कंड्यूट, जो कि जहाँ से ब्लड जाता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आता है, सुनो आप ही, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाता है। दिस इज रूट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, बैक टू लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें जो दो सेप्टम होते हैं राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, उसको होते हैं एट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल में जो दोनों सेप्टम होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर एट्रियल सेप्टल में डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट मतलब होल नॉर्मली नहीं होता है, तो उसको कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो कि एको में पकड़ में आता है, कुछ वो ईसीजी में होता है। पेशेंट नॉर्मली रहता है, उसको कुछ पता नहीं लगता जब तक कि उसकी उम्र 40 साल ना हो जाए। 40 साल के बाद क्या होता है, सांस फूलने लगती है, शंट हार्ट की राइट वाला हार्ट फेल होने लगता है, और फिर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि राइट टू लेफ्ट शंट हो जाता है, दैट बिकम्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ द लाइफ फॉर द हार्ट। ये पेशेंट है जिनको चांस की बात चेकअप के दौरान पता लगा, और हार्ट का साइज जो लेफ्ट एट्रियम का जो छेद था, ये दैट वॉज 2 सेंटीमीटर एंड अबव। इसको हम लोग एको से नापते हैं और फिर देखते हैं कि चारों तरफ, अभी तक क्या था, 10 साल पहले तक केवल इसका ऑपरेशन होता था, छाती खोल के ओपन हार्ट सर्जरी करके सर्जिकल क्लोजर ऑफ द एक मेम्ब्रेन लगा के बंद कर देते थे। अभी नई डिवाइस सिस्टम आ गए हैं, जो कि फॉर लास्ट 5-10 ईयर्स बाकी काफ़ी कॉमन हो गए हैं। अब होता क्या है कि दोनों एट्रियम के बीच में एक छाता लगा देते हैं, उस छाते को, जैसे ये छाता लगा है, उस छाते से ये एक तरफ लेफ्ट एट्रियम में है, ये राइट एट्रियम में है, और बटनिंग से बंद हो जाता है, जिससे वो छेद बंद हो जाता है। तो दिस इज नोन एज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट डिवाइस क्लोजर, और बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ लर्निंग। जांग की नस से करते हैं, और उसके बाद पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस रहता है, और ये छेद बंद हो गया। इट इज बेटर देन ओपन हार्ट सर्जरी, बिकॉज वी आर नॉट ओपनिंग द चेस्ट, पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस ऑल थ्रू, एंड ये बन जाता है। इसके जो टेक्निकल पार्ट है वो हम डिटेल में बताएंगे बाद में, लेकिन अभी हम दिखाना चाहते हैं जो कैथेटर इस्तेमाल होता है। दीज आर द कैथेटर विच आर यूज, एक गाइडिंग कैथेटर होता है, इसके अंदर डिवाइस जाती है और मेम्ब्रेन के साथ जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे नर्सिंग स्टाफ काफ़ी इक्विप्ड है इस काम के लिए, और हमने अभी ये प्रोसीजर किया है, तो इस थोड़ा सा हम इसके वीडियोस दिखाएंगे। इनके हमने पैसे रूटीन में इनकी एंजियोग्राफी की जांच भी करी, और एंजियोग्राफी की जांच बिल्कुल नॉर्मल आई है, और उसके बाद हमने राइट वाला ये है, उसके बाद हमने ये देखी कैथेटर हैज जस्ट गॉन फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम प्लेस करने के बाद दिस इज द वायर इनटू द पल्मोनरी वेन, और उसके बाद हमने यहाँ पे डाल के प्लेस कर दिया, दिस इज थ्रू द डिफेक्ट, और उसके बाद हमने ये एक शीथ डाली विच इज ए स्पेशल शीथ, और शीथ को यहाँ रख के, और फिर हम डिवाइस को लेके गए यहाँ पे, ये पहले इधर का खोला फिर इधर का खोला, उसके बाद अनबटनिंग कर दी, ये बात इसको हटा दिया, और उसके बाद ये निकल गया, फिर द शीथ हैज बीन रिमूव्ड। अगेन द प्रोसीजर मैं फिर से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ने ये कैथेटर डाला, जो कि राइट एट्रियम से राइट लेफ्ट एट्रियम में गया थ्रू द डिफेक्ट, यहाँ डिफेक्ट है कहीं, डिफेक्ट मतलब होल। उसके बाद हमने वायर डाला, वायर के बाद में शीट डाली, शीट डालने के बाद ये, और उसके बाद ये देखिए,
द प्रोसीजर हैज बीन कंप्लीटेड विद दिस, उसके बाद हमने अनबटनिंग करी और ये दिस इज द फाइनल स्टेज. तो दिस इज अ नॉन सर्जिकल टेक्निक टू क्लोज द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. वी हैव यूज्ड द एम्प्लांटर डिवाइस बट देयर आर लॉट ऑफ अदर डिवाइसेज व्हिच आर अवेलेबल एंड दिस इज अ नॉन सर्जिकल टेक्निक. थैंक यू डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 31st फरवरी 2024.